प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास वर्कशीट नंबर 52 के अंतर्गत उपसर्ग की खास बातें हम आज जानने वाले हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपकी कोई भी पिछली वाली वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, अपनी सारी पिछली वाली वर्कशीट देख सकते हैं। आज की वीडियो ध्यान से समझिए, उपसर्ग के बारे में कुछ खास हम जानेंगे, साथ में इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन विद सॉल्व आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका फ्री वाला लाइक हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए, सबसे पहली बात, उपसर्ग जो है वो शब्द के पूर्व में लगता है, यानी कि पहले लगता है। माना ये कोई शब्द है तो इसके जो आगे लगता है वो आपका उपसर्ग है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और उपसर्ग पे मैंने आपको एक बात बताई थी, उपसर्ग जो है फेस पे जैसे मूछें होती है वैसे उपसर्ग होता है। और हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। कौन से? देखो, कुछ संस्कृत वाले उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी वाले होते हैं, कुछ उर्दू वाले, कुछ अंग्रेजी वाले, और कुछ ऐसे होते हैं जो उपसर्ग व तो अव्यय होते हैं। तो इन्हीं पे हम बात करने वाले हैं, उपसर्ग की 3 बातें खास। पहली बात, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी कि जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो वो शब्द के जो अर्थ में चेंज ला देता है। देखो, प्र और बल, तो यहाँ पर प्रबल बन गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग और बन गया है ना। दूसरा, देखो, शब्द के अर्थ को उलट देना, पलट देता है, यानी कि अपोजिट हो जाता है। तो देखो, अ, कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं, सत्य शब्द था, अ लग गया तो बन गया असत्य, यानी कि उलट गया है ना, पूरा ही चेंज हो गया। साथ में तीसरी बात है कि अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके मूल अर्थ के आसपास ही रहता है ना। देखो, भ्रमण था, भ्रमण मतलब घूमना, और परिभ्रमण तो इसका भी लगभग घूमना ही अर्थ होता है। तो ये 3 तरह के आपके उपसर्ग होते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास यही है, और सबसे पहला जो सवाल है आपके लिए वो ये है कि अपने अपने जो उपसर्ग है वो मैच करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ये लेफ्ट साइड में दे रखे हैं उपसर्ग, और इनसे ये शब्द दे रखे हैं, तो कुछ जनरल से देखने वाले, आप उन्हें गलत भी जरूर कर सकते हो लेकिन आपने गलत नहीं करना है। देखो, प्र का तो इन्होंने दे रखा प्रख्यात, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो नी, तो आप देखोगे नी यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन नी उपसर्ग वाला आपका है निदर्शन, निपात, और इसका रीजन क्या है, इसमें भी तो नी है ना, तो आखिर क्यों? क्योंकि इसमें नी नहीं है बल्कि इसमें निर है, निर। और आगे देखो अ का, तो अ से आपका हो गया अधर्म। अब आप कहोगे अ से, इसमें भी तो अ है लेकिन ये अ वाला नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान से देखो। बी से हो गया आपका विकास, नी से हो गया आपका निदर्शन, अ से हो गया अधर्म, परा, तो परा से ये हो गया आपका पराक्रम, उसी तरह से निर, सॉरी आ, तो आ का हो गया आमुख और आकर्षण, ठीक है। इसी तरह से देखो निर, तो निर का हो गया निर्भय, ये वाला हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद अधि वाला, तो अधि वाला देखते हैं हम अधिराज, और प्रति वाला देखो तो प्रतिकार है, और अति वाला हो गया अतिरिक्त। तो ये आप ध्यान से, आप इसे पहला तो आप आराम से कर सकते हो, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरा है वो ये है कि एक उपसर्ग है और इनसे आपने दो दो शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कम है, खुश है, गैर, ना, बे, तो इन सबसे आपने दो दो शब्द बनाने हैं। तो चलिए मैं आपको शब्द बना बना के लेके आया हूँ, तो आप सीधा उन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहला, जैसे हम ले कम ले रखा है ना, तो कम से देखो कम जोर और कम वक्त, ठीक है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो खुश किस्मत, खुश मिजाज, दो दो हैं। गैर हाजिर और गैर मौजूदगी, तो कई बार गैर हाजिरी भी कह देते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही वर्ड है। अगला देखो ना, ना उपसर्ग है आपका और ये बन गया काम, ना काम, ना समझ, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा भी आप शब्द लिख सकते हैं, बेकार, बेईमान, ठीक है। आगे देखो अप, तो अप से अपशब्द और अप से अपमान। इसी तरह से अभी, तो अभिमान और अभी उदय, तो अभी उदय जब जुड़ा तो ये बन गया अभ्युदय, ठीक है। अगला देखो अव, तो अव से देखो अवगुण, अव से देखो अवतार। उसी तरह से उत्थान, तो यहाँ पर हलंत ता है और हलंत दा है, तो ये हलंत दा है, उत्थान, उद्गार। और आगे देखो उपकार, उपद्रव, दुर्दमन और दुराचार, तो यहाँ पर ये जो
आ इधर आ जाएगा आपका और बाकी बचेगा आपका दुर। तो ये बन गया दुर जमा आचार, तो आचार आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपके और वर्ड हैं अंतः चेरे पुनर्सत्सह। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ कुछ रखे आपको, अंतः से देखो अंतः विचार, अंतः मन, अंतः करण। ठीक है, अभी देखो चिर से तो चिरकाल और चिर परिचित। पुनर से देखो पुनर्विवाह, पुनर्जन्म है ना, पुनरुत्थान। तो इस तरह से और भी शब्द हैं। सत देखो जो सत जन, सत यानी कि अच्छा जन, और सत कर्म यानी कि अच्छा कर्म। सह से देख लो सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाला, और सहचर यानी कि साथ चलने वाला सहचर। उसी तरह से देखो अंतर विचार और अंतर मन। तो ये अंतः मन भी होता है, अंतः विचार भी होता है, ये दोनों जगह यूज होता है। उसी तरह से देखो दू से, तो दू से देखो दू कान और दू गुना है ना, इसे दो गुना भी कहते हैं कई बार, लेकिन शब्द है दू गुना। नि संतान और निवारण, तो नि आपका उपसर्ग हो गया, तो उपसर्ग को आपने हाईलाइट करना है। भर पेट, भर मार, इसी तरह से भरपूर ये भी आप लिख सकते हैं। परित्याग और परिधान, परिधान कहते हैं कपड़ों को। इसी में भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में सम्मान, तो ये माँ जो है ऊपर भी आ सकता है आपका। इसी तरह का संभाव, तो आप माँ जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसलिए दोनों रूप आपके लिए लिखे हैं। और आगे देखो इस वाले सवाल में आपने क्या करना है, ये आपको शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर एग्जाम में भी आपको इसी तरह से आता है। क्या करते हैं हम लोग, प्लस का निशान लगा देते हैं तो वो संधि विच्छेद हो जाती है और मैं पूरा काट देता हूँ, क्योंकि वो सवाल गलत हो जाता है। आपने ये लाइन बनानी है, यहाँ पर लिखोगे उपसर्ग और यहाँ पे लिखोगे मूल शब्द। देखो सुकृत, तो यहाँ पर देखो सु और आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं सु जमा कृत। इसी तरह से अधिराज, तो अधि जमा राज। बदनसीब, तो बद जमा नसीब। इसी तरह से अध पका, तो अध जमा पका, आधा पका। अध्यात्म, तो ये है अधि जमा आत्म, तो ये बन गया अध्यात्म। पर जमा हित, परहित। और अनुचर यानी कि अनुजमा चर, परिपूर्ण हो गया परिजमा पूर्ण। और ओ मतलब अवगुण, तो ये अवगुण और कई जगह से अवगुण भी लिखा जाता है ना, तो ये अवगुण थोड़ा सा देशज शब्द है, गांव में बोला जाता है, वैसे शुद्ध रूप अवगुण है। इसी तरह से कपूत, तो क जमा पुत और इसे हिंदी में कहते हैं कुपुत्र। और बिन बादल, तो ये बिन और बादल ये अपने आप में क्लियर आपको समझ आ रहा होगा। किसी भी शब्द में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन लिखने का आपका तरीका इसी तरह से होगा। और आगे देखो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपने क्या करना है, इनसे आपने ये अंग्रेजी के कुछ आपके लिए, जैसे सब हो गया, डिप्टी हो गया, वाइस हो गया, जनरल, चीफ, हेड, तो ये अंग्रेजी वाले आपके उपसर्ग हैं। और आपने इसमें क्या करना है, इस उपसर्ग से आपने सेंटेंस बनाना है। ठीक है, उपसर्ग पे तो आपने लिखना ही है, साथ में सेंटेंस बनाना है। तो देखो मेरा भाई सब इंस्पेक्टर बन गया, तो मैं आपको पहले ये सवाल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये वाला तो हम कर चुके थे, यहाँ पर आपने मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करना था, और ये वाला भी हम कर चुके थे, ये वाला मैचिंग था। अब ये वाले में आपने क्या करना, सब डिप्टी ला वॉइस जनरल चीफ हेड सू हम, इनसे आपने क्या करने हैं, शब्द बनाने हैं और उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो देखो तो सबसे पहले तो ये शब्द है सब इंस्पेक्टर, ये शब्द बन गया। डिप्टी कमिश्नर, ये शब्द बन गया। ला जवाब, ये शब्द बन गया। वाइस चांसलर, ये आपका शब्द बन गया। तो इसमें अपने सेंटेंस देखो, मेरा भाई सब इंस्पेक्टर बन गया, मैं डिप्टी कमिश्नर बनूंगा, मेरी मम्मी लाजवाब खाना बनाती है, इस कॉलेज के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति कौन है। इसी तरह से जनरल शब्द था, चीफ शब्द था, हेड शब्द था और सू शब्द था, यानी सॉरी उपसर्ग। तो मैंने इनसे जनरल मैनेजर, चीफ गेस्ट, हेड मास्टर, सू पुत्र। अब आप इनसे एक एक सेंटेंस बनाओगे, ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपने डिफरेंट टाइप का जरूर करना है। और एक और बात ध्यान रखेंगे, जो मैंने यहाँ पर पीछे शब्द बना रखे हैं, आपको अगर इनसे एक्स्ट्रा आता हो, सॉरी इसमें तो एक्स्ट्रा कुछ होगा नहीं यहाँ पर शब्द, तो आप वो भी जरूर लिखेंगे। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताएंगे, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।